अमोल गुण अमोल वापारिये अमोल भंडार भंडार भब्बे ते टिप्पी है। आम तौर पर आप भंडार पढ़ जाते हैं, भंडार पढ़िए वो टिप्पी नहीं बोली जाती, वह बिंदी बोली जाती है भब्बे के उपर। ये टिप्पी लगी हुई है भंडार, पूरा स्पष्ट उच्चारण होवे। अमोल आव है अमोल लै जाहे अमोल पाए अमुला समाहे अमोल धर्म अमोल दीबाण अमोल तोल अमोल परवान अमोल बखसीस अमोल नीसान अमोल करम अमोल फुरमान अमोलो अमोल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखयाण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध। ये आख है जो पाठी सिंह जी ने पाठ किया आख है, आ ज़्यादा उच्चारण आखे है, अजकल आप आख है ज़्यादा सुनते हैं। पाठी सिंह ने जो पाठ किया आख है शुद्ध है। आख है दानव आख है देव आख है सोर नार मोन जान सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह ओठ ओठ जाहे। इत्थे आम गलती जो वेखण विच आउंदी है पाए ते जाए कह जाने आ, केते आख है आखण पाए केते कह कह ओठ ओठ जाए। ये पाए जां जाए नहीं बोलना क्योंकि दोवें जगह हाहा लिखिया होया है, पाहे जाहे जिमें उचारण किया गया इस तरह ही करना जी। एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह के ई के जेवट भावै तेवट होय नानक जाणै साचा सोय जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे। गाव है तोहनो पौन पाणी बह संतर गावै राजा धर्म द्वारे। राजा धर्म पाठ इकट्ठा आवेगा। गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इदासन बैठे देवत्या दर नाले। गाव है इंद इदासन बैठे, इदासन कीड़ी उपर टिप्पी नहीं लगी होई इस वास्ते आपां इत्थे उचारण नहीं करांगे। हाँ जी। गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा माछ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले। गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खाणी चारे। इत्थे ख्याल रखना जोध महाबल सूरा, आम तौर पर तेज चाल चलदियां जोध महाबल सूरा इउं कह जांदे ने जो कि गलत होवेगा। जोध महाबल सूरा महाबली जोधे ते सूर में ये उचारण का ख्याल रखना। गाव है खांड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे सेई तुदनो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेत ना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब
साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी है भी वखरे वखरे है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता आपना जेव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रहन रजाई। खालसा जी, तीन वार ए सोदर दा शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाए मान है। एक वार आप जी ने यह जप जी साहिब जी दे विच पढ़िया है, दूसरी वेर अगे सोदर बाणी दे विच आवेगा जो रोजाना शाम वक्त आपां सोदर रहराज साहिब दे पाठ विच पढ़दे हां, ते तीसरी वार ए आसा राग विच सुभाए मान आउंदा है। तिन्ने ही सोदर सतगुरु जी ने वख वख मौकियां ते उचारण कीते ने। जिवें पहला भी बेनती की, जदों वेई नदी दे राही सतगुरु जी अकाल पुरख दे सन्मुख गए सन, पहला महाराज जी ने सोदर उत्थे उचारण कीता सी, ओ सोदर रहराज साहब जी दे पाठ वाला है। ये जिहड़ा सोदर दा शब्द है, ये सिद्धां दे नाल चर्चा विचार करदिआं सुमेर पर्बत ते ही उचारिया। तीसरी वार संगतां नूं उपदेश देंदिआं करतारपुर साहिब विखे उचारण कीता सी। तीन वार ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभाए मान है। लगा मात्रा ते अखरां दा फर्क आउंदा है तिन्ने ही वार। इस गल दा आप जी ने खास ख्याल रखना, क्योंकि जप जी साहिब अमृत वेदे दे साडे नितनेम दे विच शामिल है, ते सोदर रहरास साडा शाम वक्त दा नितनेम है। जो पाठां दे भेद फर्क आउंदे ने सतगुरु जी ने आप अपनी मौज मुताबक रखे ने, कोई शंके की गुंजाइश नहीं कि ये क्यों ने। तो जिमें जिमें ये पाठ भेद सतगुरु जी ने रखे ने, असी इन्हां नूं पूर्ण तौर पर अपने ख्याल विच रखना है, इधर उधर रलगड़ नहीं होण देना। जो ये पाठ भेद, जो अखर, जो लगा मात्रा ये जप जी साहिब विच सोदर दियां हन, दूसरे दोहां सोदर दे शब्दां विच इन्हां नालों भिन्न हन, जुदा हन। ये आप जी अगे दर्शन दारे करोगे, जो संगतां रोज़ पाठ करदियां ने वह जानदियां भी हन। इसलिए इन्हां सोदर के सारे पाठां का वख-वख तौर पर खास तौर पर ख्याल रखना है जी।